जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं लिडोकेन, और साथ ही साथ लिडोकेन के कंपोजिशन में जो एड्रिनालिन आती है उस इंजेक्शन के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि यह जो इंजेक्शन है यह सिर्फ़ और सिर्फ आपको हॉस्पिटल यूज के लिए, और इसके अलावा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है और साथ ही साथ जो क्लिनिक्स हैं उसमें यूज में लिया जाता है। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आप इस ड्रग का यूज ना करें, और साथ ही साथ आप इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी यूज में ना लें। तो अब हम आगे जानते हैं कि यह जो लिडोकेन के साथ एड्रिनलिन नाम की इंजेक्शन आती है यह किस किस ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है। तो इसमें सबसे पॉपुलर आपका लाइनॉक्स 2% ए इंजेक्शन, और इसके अलावा ये आपको बायोकेन एडीआर इंजेक्शन के नाम से मिल जाती है। बट इसके अलावा भी कुछ और भी ब्रांड्स आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप एक हॉस्पिटल में वॉकिंग में हैं या फिर आप हॉस्पिटल स्टाफ हैं तो हो सकता है आप किसी और ब्रांड नेम से इसको जानते होंगे। बट जो लिगनॉक्स 2% ए इंजेक्शन है यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और यह जो ब्रांड्स है इस ब्रांड्स में जो लिडोकेन होता है वह आपको 24.64 mg, और साथ ही साथ जो एड्रिनालिन होता है वह आपको 0.0125 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो लिगनॉक्स 2% ए इंजेक्शन है यह किस किस कंडीशंस में यूज में लिया जाता है। तो यह जो लिगनॉक्स इंजेक्शन है यह आपका एक एनेस्थीसिया का इफेक्ट दिखाता है। तो यदि कोई व्यक्ति है जिसके बॉडी पे कोई प्रोसीजर करना है, चाहे वह कोई नॉर्मल प्रोसीजर हो सकता है या फिर कोई हेवी प्रोसीजर हो सकता है, तो उस पार्टिकुलर पार्ट को शून्य करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं यह लिगनॉक्स ए 2% इंजेक्शन आपको लगाते हैं। अगर हम कुछ प्रोसीजर की बात करते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति है जिसमें कोई वाउंड वगैरह का डिब्राइमेंट करना है, और साथ साथ कोई बहुत ही बड़ा वाउंड हो गया है, कोई सिस्ट बन गया है स्किन के ऊपर, उस सिस्ट को रिमूव करना है, तो इन सारे कंडीशंस में इस लिगनॉक्स 2% ए का यूज किया जाता है। मतलब एक शब्दों में बताऊं तो इसका प्रयोग आपको सुन्न करने के लिए किया जाता है। यह जो लिगनॉक्स 2% ए इंजेक्शन है यह जो पेन का सिग्नल्स है, पाथवे है, उसको ब्लॉक करता है, जिस वजह से जो पेन का सेंसेशन है वो व्यक्ति को नहीं होता है, और जो व्यक्ति है वह अपने बॉडी पे जो कोई जो प्रोसीजर होने वाला है उसको अच्छे से अलाउ कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस इंजेक्शन को कैसे प्रयोग में लेना होता है। तो यह जो लिगनॉक्स 2% इंजेक्शन है इसको हमेशा इंट्रामस्कुलर ही प्रयोग में लिया जाता है। इसको आप कभी भी आईवी प्रयोग में ना लें, नहीं तो व्यक्ति की जान जा सकती है। जिस स्थान पे व्यक्ति को, जिस पार्टिकुलर स्थान को अगर पेनलेस करना होता है उसी पार्टिकुलर स्थान पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और साथ ही साथ यह इंजेक्शन अगर कोई काफ़ी एरिया में अगर कोई वाउंड हो रखा है या फिर कोई छोटा सा प्रोसीजर है, कोई छोटा सा सिस्ट वगैरह है, तो कॉमनली इसे 0.5 ml से 1 ml इतना ही इंजेक्ट किया जाता है। इससे ज़्यादा इंजेक्ट नहीं किया जाता है, नहीं तो हो सकता है व्यक्ति को कोई और सीवियर इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। इसका डोज पेशेंट के बॉडी वेट को देखने के बाद भी निर्धारित किया जाता है। अगर कोई हेल्दी पेशेंट है, कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटा पेशेंट है, तो हो सकता है उसमें डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा डोज दे दें। बट फिर भी अगर कोई नॉर्मल एडल्ट पेशेंट है तो उसे 0.5 ml से 1 ml तक ही उस पेशेंट को लगाया जाएगा। जो वाउंड अगर सपोज दैट कोई सिस्ट का अगर कटिंग करना है या सिस्ट को रिमूव करना है, तो सिस्ट के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब 0.1 या 2 ml की मात्रा में चारों तरफ से लगा देते हैं, और 5 से 10 मिनट या फिर मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर यह अपना असर दिखाना शुरू करता है। और उतना दूर का जो एरिया होता है, जो बॉडी के जितने पार्ट में हमने इसको इंजेक्ट किया है, उतना पार्ट व्यक्ति का सेंसलेस हो जाता है, पेनलेस हो जाता है। आप वहाँ पर कोई सा भी प्रोसीजर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति को इंट्रामस्कुलर या इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है तो व्यक्ति के बॉडी पे क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जिस स्थान पे इस इंजेक्शन को आपने इंजेक्ट किया है वहाँ पे रेडनेस वगैरह देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग हो सकता है, और साथ ही साथ वहाँ पे व्यक्ति को ईचिंग चल सकती है, वहाँ पे पीलिंग हो सकता है, इसके अलावा व्यक्ति को पेन भी हो सकता है, और साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों में आपके पूरे स्किन पे रेड रेड पैचेस बने हुए दिख सकते हैं, और सबसे कॉमन व्यक्ति को वोमिटिंग आ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन सूट नहीं कर रहा है
या फिर आपने इंजेक्ट किया है डायरेक्टली विदाउट AST टेस्ट किए हुए, तो व्यक्ति के बॉडी पे या इफेक्ट दिखाते हैं और व्यक्ति को वोमिटिंग वगैरह होने लगती है। तो ये सब इसके कॉमन इफेक्ट्स है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसका प्रयोग कभी भी खुद से ना करें। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो डॉक्टर ही इसका इस्तेमाल करेगा और साथ ही साथ हॉस्पिटल में ही यूज में लिया जाएगा। और अब अगर मैं सेफ्टी एडवाइसेस की बात करूँ तो सेफ्टी एडवाइसेस में हर वीडियो की तरह मैं यही बताऊँगा कि आप इसका प्रयोग प्रेगनेंसी में और साथ ही साथ बच्चों के लिए ना करें। डॉक्टर हाँ, अगर डॉक्टर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो डॉक्टर इस्तेमाल में ले सकता है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शन के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।